आज इस वीडियो में हम करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हार्मफुल एक्टिविटीज़ देखेंगे। फर्स्ट वी हैव वाटर पोल्यूशन। बैक्टीरिया वाटर पोल्यूशन करते हैं, जैसे विब्रो कॉलरा, साल्मोनेला टाइफी, ये पानी को गंदा करते हैं और इस गंदे पानी से काफ़ी बीमारियाँ होती हैं हमें, और इसमें टाइफाइड एंड कॉलरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मरकरी के कंपाउंड को मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट कर देते हैं और मिनामाटा डिजीज़ भी होती है। डीनाइट्रिफिकेशन सॉइल में नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं और डीनाइट्रिफिकेशन करवाते हैं, जैसे वैसिलस स्टेबिलस एंड सीडोमोनास फ्लोरोसेन। स्पॉइलेज ऑफ फूड पॉइजनिंग, फूड को करेंगे पॉइजनिंग करेंगे, सीडोमोनास इकोलाई माइक्रोकॉक साल्मोनेला स्पाइरिलम, और ये क्या करते हैं एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं और फूड ख़राब करते हैं। और क्लॉस्ट्रिडियम भी काफ़ी ज़्यादा करता है, बॉटुलिज्म बोलते हैं उसको। डिटोरिएशन ऑफ द मटीरियल, मटीरियल ख़राब करते हैं, जैसे कोई लेदर बैग होंगे उसको ख़राब करेंगे, क्लोथ को ख़राब करेंगे, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम एंड सीडोमोनास। डिटोरिएशन ऑफ द टेक्सटाइल एंड कोरेड, टेक्सटाइल कपड़ों को ख़राब करेंगे, जैसे साइटोफेगा एंड विब्रो। कोरीजन ऑफ द मेटल पाइप, मेटल की पाइप्स होती हैं जो वाटर के लिए होती हैं, इसमें आता है डी सल्फो विब्रो, ये करते हैं इसको ख़राब। प्लांट में बीमारियां करते हैं, ह्यूमन में करते हैं और एनिमल में करते हैं। चलो देखते हैं कौन सी बीमारियां करते हैं। और यहां से आप इजीली नोट कर सकते हो इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ हैं प्लांट में ये करते हैं, जैसे एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ टबाको, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ब्लाइट ऑफ बीन, ब्लाइट ऑफ पैडी, ईयर रॉट ऑफ बीट, ब्लाइट ऑफ पियर एप्पल, लीफ स्पॉट कुकुम्बर, और ये आप सारे इसके कॉजल भी नोट कर सकते हो यहाँ से, और ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारियाँ करते हैं। दीज आर द पैथोजन ऑफ द प्लांट, तो मैं बुक से आपको करवा रहा हूँ तो आप काफ़ी एग्जांपल नोट कर सकते हो, और ये कम्पिटिटिव में काफ़ी बार पेपर में आता भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन में क्या क्या बीमारियाँ कॉज करते हैं, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, बैटुलिज्म, क्लैमिडिया, कॉलरा हो गया, डेंटल प्रॉब्लम होगी, डिप्थीरिया, गोनोरिया, हैंसन डिजीज डेट इज लेप्रोसी, लाइम डिजीज, पेप्टिक अल्सर, प्लेग, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड टाइफस। तो ये काफ़ी प्रिडोमिनेंट डिजीज हैं और ये बैक्टीरिया करवाते हैं। आगे नेक्स्ट हम करते हैं अदर एनिमल को करते हैं, ह्यूमन को छोड़ के भी एंथ्रेक्स अबॉर्शन हो जाता है, ब्लैक लग लैग हो जाती है, ब्रिकलोसिस, डिप्थीरिया, डिसेंट्री, लिस्टनोसिस, प्लेग एंड ट्यूबरक्लोसिस। और यहाँ आप देख सकते हो किन किन एनिमल में ये बीमारियाँ होती हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट बायोलॉजिकल वारफेयर, इनका पाउडर बना के भी इसको बायोलॉजिकल वेपर में यूज़ किया जाता है, जैसे एंथ्रेक्स, बॉटुलिज्म, कॉलरा एंड टीबी। इसको पानी में मिला देंगे, पल्यूट कर देगा और पीने से बीमार हो जाएंगे लोग और मर जाएंगे। सॉइल में डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं। ये थे इसके हार्मफुल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट वी हैव द यूजफुल एक्टिविटीज़। यूजफुल एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं ये। यहाँ से आप नोट कर सकते हो कौन सी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं और कौन कौन सी बैक्टीरिया हैं, तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हो। एंटीबायोटिक आपको पता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है और एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन जो ख़त्म करती है। नेक्स्ट आता है सॉइल की फर्टिलिटी बताते हैं, जैसे स्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरिलम। इंडस्ट्रियल यूज़ भी हैं, जैसे एसिटिक एसिड बनाने में एसिटोबैसिली, एसीटोन, बीटिनोल, क्लॉस्ट्रिडियम, लैक्टिक एसिड, स्ट्रेप्टोकोकस, थ्रियोनिन, इकोलाई, लाइसिन, कोरिएनोबैक्टीरियम। लेदर इंडस्ट्री में हेल्प कराते हैं, जैसे फ्लेवरिंग ऑफ टबैको, टी लीफ, बैसिलस, इसमें एग्जाम्पल आता है। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, विटामिन भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे B12, स्ट्रेप्टोमाइसिस, राइबोफ्लेविन, एसिटोन, ब्यूटेनोल फर्मेंटेशन से होता है। एरेक्टिंग सेलुलोज के फाइबर को सॉर्टिंग में हेल्प करवाते हैं क्लॉस्ट्रिडियम विटेरिकम। डेयरी प्रोडक्ट जैसे बटर, चीज़, कर्ड, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टी, इकोलाई एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टी आता है। और इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कराते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं टॉक्सिक केमिकल को, जैसे 2,4-D को, एक्रोमोबैक्टर DDT को एसिटोबैक्टर करता है।
बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं जैसे मिथिनोबैसिलस, टैनिंग ऑफ हाइड्स में हेल्प करवाते हैं, माइनिंग में भी हेल्प करवाते हैं जैसे थायोबैसिलस, फेरिडोक्सिकन, आयरन एंड सल्फर को जमीन से निकालने में उसके ट्रेसिस में हेल्प करवाते हैं, और जेनेटिक इंजीनियर में भी हेल्प करवाते हैं। जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स जैसे बीटी कॉटन है, उसमें वैसिले थ्रन जेनेसिस बैक्टीरिया के जीन्स हैं, और भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं। और वैसिले थ्रन जेनेसिस जो है एक टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और कॉटन का जो पेस्ट है पिंक बॉलवर्म, जब उसको खाता है तो उसमें गट में उसको ख़त्म कर देता है, तो उसमें पॉइजन की तरह एक्ट करता है और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, उसको कहते हैं बीटी कॉटन। तो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आपको इसके यूजफुल एंड हार्मफुल एस्पेक्ट्स बताए हैं, और ये काफ़ी हटके है और आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, कोई कन्फ्यूज़न क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जो नीडी स्टूडेंट है उनको ये इजीली अवेलेबल हो सके। थैंक यू वेरी मच।